कटनी के दीनदयाल पार्क में आयोजित विकास कार्यों के भूमि पूजन कार्यक्रम में खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने 9 करोड़ रुपए से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन कर शहर के विकास में योगदान दिया। कटनी के चांडक चौक से घंटा घर तक बनने वाली बहुचर्चित विवादों में रहने वाली जर्जर सड़क को अब चौड़ीकरण कर नए सिरे से सड़क निर्माण कार्य और कटाई घाट में रिवर फ्रंट और केसीएस स्कूल परिसर में ई लाइब्रेरी भवन के विकास का भी भूमि पूजन किया गया। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। 9,76,00,000 के भूमि पूजन कार्य माननीय सांसद जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। आज जो कि सबसे शहर की सबसे ज्वलन समस्या जगन्नाथ चौक से घंटा घर की थी, तो उसके लिए मैंने जब नगर निगम की जिम्मेदारी संभाली तब मेरी प्रथम प्राथमिकता थी कि इस सड़क का चौड़ीकरण होकर और सड़क का निर्माण हो, तो उसके लिए लगातार मैंने लगभग 1.5 सालों से प्रयास किया। इसके लिए माननीय सांसद जी से भी हमने चर्चा की और उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हम कटनी शहर के विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आज यहाँ पर भूमि पूजन जो कि केसीएस साला में ई लाइब्रेरी का निर्माण, जिससे कि यहाँ जिले के समस्त छात्र छात्राओं को ई लाइब्रेरी का लाभ मिलेगा और साथ ही कटाई घाट में रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण का कार्य होगा, जिससे कि शहर की जनता को भी अच्छी सुंदरता और लोग घूमने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा। तो मैं उस स्कूल का जब मैं जाता हूँ तो मेरे भाई बहन शुरू हो जाते हैं, मैं इस स्कूल में पढ़ के मिल रहा हूँ। तो कटनी के जितने स्कूल है प्राइमरी को जिनमें लोग पढ़े हैं वो देश के अंदर कहीं भी है, किसी भी कोने में है और किसी भी स्थान पर है। हो सकता है पहलवा व्यक्ति किसान नहीं बन सकता है, हो सकता है पहलवा व्यक्ति कर्मचारी नहीं बन सकता है, हो सकता है उस स्कूल में पहलवा व्यक्ति कलेक्टर IAS और IPS बना हो, या हो सकता है स्कूल में पहलवा व्यक्ति तो बड़ा को हमें कटनी में इसका प्रयास करना चाहिए। कोई सभी एलुमनाई की सूची बनाकर कि इस स्कूल में से 50 लोग ऐसे बहुत अच्छे स्थानों पर हैं और उन्हें एक दिन कभी उस स्कूल में बुलाने के लिए आने आ सकते हैं।